हिंदुस्तान में एक छोटा सा जंगल था जहाँ पर टुंटुनी चिड़िया अपनी माँ टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। टोनी चिड़िया चूड़ी बेचा करती थी और उसका पिता बंटी कबूतर मजदूरी किया करता था। एक दिन टुंटुनी की मौसी उनके घर आती है और उसकी माँ से कहती है, अरे ओ टोनी दीदी, मैं टुंटुनी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। उनके पास बहुत धन दौलत है, अपनी बेटी रानी बनकर रहेगी रानी। लेकिन बबली बहन, उनका क्या काम है, कहाँ से है, कैसा खानदान है, कोई आगे पीछे का पता हो उतनी देर में आप बताइए कि 78 × 1 कितने होते हैं। उनके कोई एक काम हो तो बताऊं, सैकड़ों काम है, सैकड़ों। ज़्यादा मत सोचो, बस टुंटनी की शादी की तैयारी करो। अपनी टुंटनी के तो भाग खुल गए जो इतने बड़े रईसों के घर जा रही है। जल्द ही टुंटनी और कालू की शादी हो जाती है। शादी से अगली सुबह टुंटनी की सास सुंदरी कवि उसे आवाज़ लगाती है, अरे ओ महारानी, कितनी देर तक सोती रहेगी, सवेरा हो गया है, जल्दी से उठ और चाय नाश्ता बना कर ला मेरे लिए। माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। तू कान खोल कर सुन ले, तेरी हैसियत इस घर में नौकरानी की है, सुबह उठकर अपने काम पर लग जाया कर। माँ जी, कालू जी सारी रात घर नहीं आए, कहाँ हैं वो, दिखाई नहीं दे रहे। तुझे इससे क्या मतलब, मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी शार्टी। तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब उसकी मर्ज़ी होगी वो घर आ जाएगा, उसकी चिंता करने के लिए मैं अभी ज़िंदा हूँ। माँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी चिंता मुझे भी होगी ना। मैंने तुझे चाय नाश्ता बनाने को कहा था और तू यहाँ पर बातें बना रही है। अभी तो कल ही इस घर में आई है और आज हुक्म चलाने लग गई है। टुंटनी दुखी मन से चाय बनाने चली जाती है। रात को कालू शराब के नशे में धुत घर वापिस आता है। ये क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है, आपके मुंह से कितनी गंदी बू आ रही है। माँ, किस गवार से आपने मेरी शादी करवा दी है। क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह से बात करेगी। तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, तू इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा नहीं है। चल हट, मैं अपने बेटे को इसके कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरी इतने बड़े रईस खानदान में शादी हुई है, ये देखकर मैं हंसूं या अपने शराबी पति को देखकर रोऊं, ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रहूँगी, कल ही मैं अपने माँ पिताजी के घर चली जाऊँगी। अगले दिन टुंटुनी अपने मैके लौट आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। बिटिया, ये तो कैसी बातें कर रही है, वो जैसा भी है तेरा ससुराल है, कल तेरे पिताजी तुझे लेकर तेरे ससुराल जाएंगे और तेरी गलती की माफ़ी भी मांग लेंगे। कैसी बातें कर रही हो माँ, तुम जो भी कह लो, मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं चूड़ी बेचकर अपना गुजारा कर लूंगी। टुंटनी बाजार में चूड़ी ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, कांच की चूड़ी ले लो, सस्ते और रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, चूड़ियां। बाजार में उसे चूड़ियां बेच देखकर उसकी पड़ोसन हरिया काकी उससे कहती है, तेरी माँ ने तेरे साथ बहुत बुरा किया टुंटनी, जल्दबाजी में तेरी शादी कर दी, उन्हें उस घर के बारे में पता करना चाहिए था, तू उन्हें बहुत अच्छा किया जो अपने मायके चली आई। हाँ काकी, उस घर में रहकर घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारूं। इस तरह चूड़ियां बेचकर टुंटनी चिड़िया खुशी खुशी सुंदरबन जंगल में टुंटुनी अपनी दो बहनों के साथ रहती थी। सबसे छोटी बहन का नाम पिंकी था और उससे बड़ी बहन का नाम सुनहरी चिड़िया था। टुंटुनी उन दोनों से बड़ी थी और दोनों से बहुत प्यार करती थी। उनके माता पिता नहीं थे और टुंटुनी चिड़िया ही उन दोनों को माँ बाप का प्यार देती थी। सुनहरी, पिंकी, तुम दोनों मेरी छोटी बहनें हो, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगी। देखो,
हमारा घर बहुत जगह से चटक गया है और इसमें बहुत सारी दरारें भी आ गई हैं। ये घर कभी भी टूट सकता है, इससे बेहतर है कि हम कोई दूसरा घर ढूंढ लें। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम पास वाले जंगल में चलते हैं, वहाँ पर हम कोई अच्छा सा पेड़ भी ढूंढ लेंगे जहाँ पर हम अपना घर बनाकर रह लेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर वीडियो बनाती हूँ और आप जब इतने कम लाइक देते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। दोस्तों, अभी जाकर कल की वीडियो पर लाइक कर दो। ये कहकर तीनों बहनें अच्छे पेड़ की तलाश में निकल पड़ती हैं। जंगल में काफ़ी देर के बाद उन्हें तीन पेड़ मिल ही जाते हैं। उनमें से एक पेड़ आम का था और दूसरा पेड़ सेब का था। उन दोनों पेड़ों के बीच में एक तीसरा पेड़ भी था जो बिल्कुल ही सूखा हुआ था। सुनहरी और पिंकी ने जल्दी जल्दी अपना अपना पेड़ चुन लिया। सुनहरी ने आम के पेड़ को चुन लिया और पिंकी चिड़िया ने सेब के पेड़ को चुन लिया। टुनटुनी चिड़िया के पास रहने को कुछ नहीं बचा। उसके पास सिर्फ एक सूखा पेड़ बचता है जिस पर ना तो कोई फल लग सकता है और ना ही वो उस पर रह सकती है। तभी वो सुनहरी और पिंकी से कहती है, सुनहरी, पिंकी, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम तीनों अलग अलग रहें। क्यों ना हम तीनों एक साथ रहें? हम हमेशा से ही तो एक साथ रही हैं ना, और अब भला हम अलग कैसे रह सकती हैं? तुम दोनों से अलग मैं नहीं रह सकती। अरे वाह दीदी, मुझे तो पता है ना, आपको पेड़ नहीं मिला इसीलिए आप हमें बहलाने वाली बातें कर रही हो। लेकिन हमें तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, हम बचपन से ही तुम्हें छेड़ते आ रहे हैं। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, हमें तो अपना अपना पेड़ मिल गया है, अब तुम भी अपना पेड़ देख लो। सुनहरी, तुम तो कुछ बोलो, पिंकी तो अभी नादान है, तुम तो समझदार हो, तो मुझे अपने साथ रखोगी ना? नहीं नहीं टुनटुनी दीदी, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मेरे पेड़ पर इतनी जगह नहीं है कि हम दोनों रह सके, तुम अपने लिए कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। टुनटुनी चिड़िया के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो एक फैसला करती है। आज मेरी अपनी ही बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, जिन बहनों को मैंने माँ बाप का प्यार दिया पाला, उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कोई नहीं, मेरा फ़र्ज पूरा हो गया, मैं सूखे पेड़ पर ही रहूँगी, इसमें पानी डालूँगी, क्या पता इस सूखे पेड़ में जान आ जाए, इसमें पत्ते आने लगे। भला मैं अपनी बहन को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना, मैं यहीं रहूँगी इनके पास, भले ही मुझे सूखे पेड़ पर ही क्यों ना रहना पड़े। ये सोचकर ही टुनटुनी चिड़िया रोज़ाना सूखे पेड़ में पानी डालना शुरू कर देती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पानी डालकर पेड़ के पास बैठी थी कि पिंकी चिड़िया उसका मजाक उड़ाने लगती है। अरे टुनटुनी दीदी, तुम्हें कोई और पेड़ ढूंढ लेना चाहिए, ये तो मरे हुए पेड़ की सेवा क्यों कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हें चाहे इसकी कितनी भी सेवा कर लो, लेकिन ये मरा हुआ है और ना ही तुम्हें ये कोई खाने के लिए फल दे सकता है और ना ही रहने के लिए जगह दे सकता है। मेरी बात मानो तो और जाकर कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लो। हाँ दीदी, पिंकी सही कह रही है, तुम्हें कहीं और जाकर कोई दूसरा पेड़ ढूंढ लेना चाहिए। तुम दोनों को मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी चिंता नहीं कर रही हो बल्कि मेरा मजाक उड़ा रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों की फ़िक्र करना मेरा फ़र्ज है। माँ और पिता के मरते वक्त मैंने ये वचन लिया था कि मैं तुम दोनों की हमेशा सुरक्षा करूँगी और माँ बाप की तरह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगी, तुम दोनों को मैं छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? ठीक है टुनटुनी दीदी, जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें करना है करो, हमें क्या। किसी तरह कुछ दिन बाद टुनटुनी के पेड़ में कुछ पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर टुनटुनी खुश हो जाती है। अरे वाह, इस पेड़ में तो पत्ते निकल आए, पर ये तो मरा हुआ पेड़ था ना। इधर सुनहरी और पिंकी चिड़िया अपने पेड़ की टहनियों को काट कर अपना अपना घर बना लेती हैं, जिससे इन दोनों के पेड़ बिल्कुल ही सूख जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पेड़ में पानी डाल रही थी, तभी वो देखती है कि उसके पेड़ में बहुत सारे हीरे लगे हुए हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। हे खुदाया, ये कैसे हो गया, इस पेड़ में हीरा कैसे लग सकता है, ये तो चमत्कार हो गया।
तभी वो पेड़ बोलता है, हाँ टुनटुनी, मेरे पेड़ में हीरा है। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। असल में मेरी देखभाल नहीं की गई, इसीलिए मैं सूख गया था। तुमने मेरी देखभाल करके मुझे फिर से जिंदा कर दिया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ऊपर लगे सारे के सारे हीरे तुम्हारे हैं। टुनटुनी, अब तुम इन्हें बेचकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकोगी। टुनटुनी चिड़िया बहुत अच्छी सी जिंदगी जीने लगी। उसके पास अब सब कुछ था। उधर सुनहरी और पिंकी का घोंसला आंधी में टूट गया था, जिससे वो दोनों बेघर हो गई थी। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। तभी वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के पास जाती हैं और सुनहरी चिड़िया कहती है, टुनटुनी दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमारी आंखें खुल गई हैं। हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। हम दोनों को माफ़ी के बिल्कुल भी लायक नहीं, पर फिर भी हमें माफ़ कर दो दीदी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। और तुम दोनों तो मेरी बच्चियों की तरह हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बच्चियों की तरह पाला है। तुम दोनों रास्ते से भटक गई थी, लेकिन अब तुम दोनों सही रास्ते पर आ गई हो। अब हम तीनों मिलकर रहेंगी। इस तरह फिर तीनों बहनें खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं।